हेलो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है लेक्जस IS 300। गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें लाइट आ रही है स्टीयरिंग की, और लाइट ABS की, और लाइट ट्रक्शन की भी है, ये रही, और लाइट हैंड ब्रेक की भी है। ठीक है, तो इस गाड़ी को इंशाल्लाह हम स्कैन कर रहे हैं, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ है और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। IS 300 गाड़ी है, 2010 मॉडल गाड़ी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो उसमें लाइट स्टीयरिंग की भी है, ये लाइट स्टीयरिंग की, ये ट्रक्शन की है, ये ब्रेक की है, और ये ABS की है। ठीक है, उसका स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है। सिस्टम सिलेक्शन ऑल EMPS रीड कोड फॉल्ट व्हीकल स्पीड सिग्नल PC1541 करंट भी है, हिस्ट्री भी है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं इसका ABS। इस गाड़ी का सिस्टम है, अगर इसके ABS काम नहीं कर ABS सेंसर काम नहीं करेंगे तो उसका स्टीयरिंग काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बात अपने ध्यान में रखें। इस गाड़ी में सिस्टम है ओपन और शॉर्ट इन फ्रंट स्पीड सेंसर, लेफ्ट हैंड, राइट और लेफ्ट, ये दोनों कोड इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इस गाड़ी का ये सिस्टम है, अगर इसके फ्रंट व्हीकल स्पीड सेंसर या फ्रंट स्पीड सेंसर काम नहीं करेंगे ना तो उसका स्टीयरिंग काम नहीं करने का। तो पहले हम लोग ये चीज़ चेक करेंगे, ये दो सेंसर में क्या प्रॉब्लम है, और फिर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। देखो, कोड करंट में है, ओपन और शॉर्ट इन फ्रंट स्पीड सेंसर। ठीक है, तो पहले इसके हम चेक करेंगे स्पीड सेंसर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइट आ रही है ABS की, ये रही। तो इंशाल्लाह चेक करते रहो, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ये इसका सेंसर लगा हुआ है, ये राइट का है। ठीक है, सॉकेट सही बता रहा है इसका। इसके बाद यहाँ से खोलेंगे, यहाँ का सॉकेट लगा हुआ है। ठीक है, और चेक करेंगे यहाँ वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे, और ऐसे करेंगे राइट साइड में। ठीक है, ये इसका लेफ्ट का है, ये भी चेक करेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ है और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। यहाँ करंट आता है प्लस और माइनस। ठीक है, इस गाड़ी का सिस्टम है, अगर आप इसके स्पीड सेंसर काम नहीं करेंगे तो उसका स्टीयरिंग भी काम नहीं करेगा। IS 300 गाड़ी है, 2010 मॉडल। तो इंशाल्लाह चेक करते हैं और फिर शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं पहले। ठीक है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चेक करके चाबी गाड़ी की आपको ऑन कर लेनी है। देखो, यहाँ एक बार करंट नहीं आ रहा। ठीक है, चेक करते हैं माइनस, माइनस तो यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं आ रहा है। तो चेक करते हैं इसमें वायरिंग इशू कहाँ है। ज़्यादातर यहाँ से ख़राब होता है, ये देख रहा हूँ, अंदर से यहाँ से ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसे खोल के चेक करते हैं और फिर से करते हैं आप लोगों के साथ। यहाँ करंट आता है प्लस और माइनस, और इसके स्पीड सेंसर काम नहीं करेंगे तो उसका स्टीयरिंग काम नहीं करेगा। ठीक है, एक बार इस साइड चेक कर लेते हैं। ये रहा, कभी कभी क्या होता है, अगर एक सेंसर ख़राब होता है तो दूसरा कोड आता है ऑटोमेटिक। देखो, माइनस आ रहा है, तो यहाँ प्लस आ रहा है, यानी ये ओके है। हम लोग देख रहे होंगे, ये ओके है, यानी लेफ्ट का ओके है, चलो हमारे राइट में है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, इसके ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं होती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है, इसलिए करते हैं आप लोगों के साथ। उसके बाद ध्यान में रखें, अगर इसके स्पीड सेंसर काम नहीं करेंगे तो उसका स्टीयरिंग काम नहीं करेगा। तो यहाँ से वायर ठीक है इसकी, देखो यहाँ वायर कोई ख़राब नहीं है। कभी क्या होता है, इसकी पिन निकल जाती है यहाँ से। ठीक है, तो पिन सही है इसकी, तो ये सेंसर की वायर है, यहाँ लगी रहती है ये। तो एक बार यहाँ करंट चेक करेंगे, यहाँ करंट आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ करंट नहीं आ रहा होगा
तो उसके आगे प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ करंट आ रहा होगा उसका जो सेंसर है ये, इसे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ चेक करते हैं। तो देखो यहाँ करंट आ रहा है, तो इसके जो प्रॉब्लम है ABS सेंसर की जो वायर है, ये वाली वायर, इसके से प्रॉब्लम है। तो आप इसको खोलो, इसको आप रिपेयरिंग कर सकते हो। मुश्किल नहीं, इसको रिपेयरिंग करना बहुत इजी है। ठीक है, तो उसको खोल के हम चेक करते हैं और फिर से करते हैं आप प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, वायर ये इधर से भी ओके वायर है, देखो, और वायर ये इधर से भी ओके है, और यहाँ बड़ा वोल्टेज आ रहे हैं, ग्राउंड भी आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इस वायर में मसला कहाँ है और सिर करते हैं के साथ। चेक करना भी ईजी है, अपना मल्टीमीटर लो, उसको कंटिन्यूटी पर सेट करो। ठीक है, तो इसकी वायर कौन सी है, इसकी वाइट वायर है जिसमें आता है 12 वोल्टेज, तो उसकी वाइट वायर में ये लगाओ। ये देखो मैंने वाइट वायर में लगा दिया है ये, और आप इधर भी लगाओ वाइट वायर में, दूसरी साइड भी। ये देखो मैंने लगाया वाइट वायर में, तो कंटिन्यूटी नहीं बोल रही है। ठीक है, तो इसकी जो वाइट वायर है इसमें मसला है, देखते हैं मसला कहाँ होता है। ज़्यादातर जैसे ये देख रहे हो आप, ये यहाँ से ये यहाँ से वायर दब गई है। ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है इस जगह यहाँ, तो इंशाल्लाह देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ, सिलेक्ट करता हूँ आप लोगों के साथ। इसकी सिर्फ वायर में मसला है, वायरिंग को मैंने रिपेयरिंग कर दी है। ठीक है, इसकी ही प्रॉब्लम थी। अभी चेक करते हैं एक बार वोल्टेज आए कि नहीं। देखो और चेक कर लेते हैं, देखो। ठीक है, अब यहाँ वोल्टेज आ गया है प्रॉपर, तो अभी इसको यहाँ लगाते हैं सेंसर को। ये लगा दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं गाड़ी के ऊपर जाके। पाके सोगल अभी देखते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके है, वैसा भी ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं। ABS की लाइट जानी चाहिए इसकी ऑटोमेटिक। ये देखो, यानी बिना गाड़ी स्टार्ट किए इसकी लाइट जानी चाहिए ABS की, चली गई है। चाबी ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं, लाइट चली गई है ABS की। अब देखते हैं स्टीयरिंग की लाइट, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हो गई है। एक बार कोड चेक कर लेते हैं, ABS लीड कोड फॉल्ट नोटेबल कोड, और आप कर लेते हैं एक बार चेक स्टीयरिंग। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में कोई कोड नहीं है और गाड़ी ओके है। ठीक है, कोई लाइट नहीं गाड़ी के अंदर, ना ही ABS की है और ना ही स्टीयरिंग की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस ये ध्यान रखे, बहुत गाड़ी है 2.8 लाख ऐसी, अगर इसका स्पीड सेंसर काम नहीं करता, स्पीड सेंसर काम नहीं करेगा तो गाड़ी का स्टीयरिंग भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब लाइट गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। या अल्लाह, खुदा हाफिज़।